फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल ऑल इन वन हैविंग एवरीथिंग यू नीड। ये हमारी सीरियस टू 2019 के लिए जो इंग्लिश का सिलेबस है उसकी सीरीज़ है और इसमें हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो है स्पॉटिंग एरर्स। इसके पहले वाले वीडियोस में हमने स्पॉटिंग एरर्स में जो क्वेश्चन है जो नाउन से क्वेश्चन बनते हैं उसके रूल्स कुछ पढ़े थे और इस वीडियो में हम उस पर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स हम इसमें कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि बेस्ड होंगे एरर्स ऑन नाउंस के ऊपर। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन इन द एग्जामिनेशन। तो इसमें चार पार्ट्स आपको दे रखे हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। तो इसमें आपको जो ध्यान रखने वाली चीज़ है वो ये है कि इसमें जो क्वेश्चन है वो ईजी क्वेश्चन नहीं आते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पहली बार देख कर ही आपको एरर पता चल जाएगा, आपको एक दो तीन बार जो क्वेश्चन है वो पढ़ना पड़ेगा और अगर आपको रूल्स सारे पता है तो आप एरर फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि इस जो क्वेश्चन है इसमें ए पार्ट में व्हाट है इसमें कोई एरर नहीं है। देन जो बी पार्ट है इसमें है इज द क्राइटेरिया ऑफ द सिलेक्शन इन द एग्जामिनेशन। तो इसमें जो एरर आएगा वो आएगा पार्ट बी में। इसमें हमें जो वर्ड क्राइटेरिया है इसको रिप्लेस करना पड़ेगा विद द वर्ड क्राइटेरियन। तो ये आपका सिंगुलर और प्लूरल का जो आपने जो पढ़े थे रूल्स इसके हमारे पहले वाले वीडियोस में तो उस पर जो बेस्ड है तो इसमें आएगा क्राइटेरियन और आपका एरर होगा पार्ट बी के अंदर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द टेबल्स वुड इज इन्फेस्टेड विद माइट एंड आई एम लाइकली टू डिस्पोज इट ऑफ। इसमें जो है इसका मतलब है कि जो लकड़ी का जो टेबल है उसकी जो वुड है वो ख़राब हो गई है दीमक लगने के कारण और मैं इसे जल्दी ही फेंक दूंगा। तो इसमें हमने पढ़ा था कि कुछ चीज़ें हैं वो उनको कुछ डिफरेंट तरीके से लिखा जाता है। जैसे टेबल्स वुड है इसमें तो हम टेबल्स वुड यूज़ नहीं करते हैं, हम जो यूज़ करते हैं वो होता है वुड ऑफ द टेबल। इसमें आपका जो एरर आएगा वो पार्ट ए में आएगा और इसलिए आपको आपकी ओएमआर शीट में पार्ट ए टिक करना होगा। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इंटरव्यूज फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर्स विल बिगिन फ्रॉम मंडे। जो लेक्चरर्स के पोस्ट के लिए जो इंटरव्यूज हैं वो मंडे से शुरू होंगे। इसमें जो है आपने देखा होगा वर्ड पोस्ट, तो हमने कुछ ऐसे वर्ड पढ़े थे जो प्लूरल में भी एस नहीं लेते हैं तो उसमें पोस्ट भी एक वर्ड है। तो यहाँ पे आपका एस नहीं आएगा, यहाँ पे आपको सिर्फ पोस्ट लिखना है और आपका जो एरर है वो पार्ट बी में होगा। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आई कांट कम टू यू नाउ बिकॉज अ लॉट ऑफ वर्क्स रिमेन्स टू बी डन। मैं आपके पास इस वक्त नहीं आ सकता क्योंकि मेरे बहुत सारे काम हैं जो बचे हुए हैं। तो इसमें क्या है पार्ट ए में इसमें आई कांट कम टू यू नाउ इसमें कोई एरर नहीं है बिकॉज अ लॉट ऑफ वर्क्स। तो इसमें जो वर्क्स है सिमिलरली जो वर्क्स है चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो उसमें एस नहीं लगता है, इसमें आपका एस नहीं लगेगा, यहाँ पे आपका वर्क आएगा तो आपका जो पार्ट बी में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अ ट्रेंड गैंग ऑफ सेलर्स वॉज एम्प्लॉयड ऑन द शिप पार्ट डी नो एरर। तो इसमें इसका मतलब है कि कुछ जो सेलर्स थे उनका जो गैंग था उन्हें एम्प्लॉय कर दिया गया शिप के ऊपर। जब आप इसे पहली बार पढ़ेंगे आप दूसरी बार पढ़ेंगे तो आप इसमें देखेंगे कि जो रूल्स हैं वो बिल्कुल सही हैं, ग्रामेटिकल कोई इसमें एरर नहीं है। पर इसमें क्या होगा कि आपने देखा होगा एक वर्ड है गैंग, जो गैंग वर्ड है वो हम यूजली यूज़ करते हैं फॉर गैंगस्टर्स फॉर द बैड पीपल जो कि बुरे काम करते हैं उनके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है गैंग। पर जो सेलर्स हैं वो बैड पीपल नहीं है, वो ऐसे कुछ लोग हैं जो ड्यूटी करते हैं शिप्स पे। तो इनके लिए हम गैंग वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, इनके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं या तो क्रू, तो यहाँ पे हम क्रू यूज़ कर सकते हैं। तो आपका जो एरर आएगा वो पार्ट ए में आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में कई बार ऐसे भी एरर आ जाते हैं जो ग्रामेटिकली तो ठीक होते हैं पर वहाँ पे वर्ड गलत दिया होता है, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। तो इसमें आपका जो एरर आएगा वो पार्ट ए में आएगा। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फार्मर वॉज लीडिंग ऑक्सेस टू हिज फील्ड फॉर प्लाइंग अर्ली इन द मॉर्निंग एंड पार्ट डी नो एरर।
अब इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको एक वर्ड दिखेगा ऑक्सेस, जो सिंगुलर होता है वो होता है ऑक्स, और हम प्लूरल करने के लिए तो ईएस लगाते हैं या फिर एस लगाते हैं उसके साथ, और इसमें भी ईएस लगा हुआ है, पर इसका जो प्लूरल वर्ड होगा वो ऑक्सिस नहीं होता है, वो होता है ऑक्स एन, ऑक्सन इसका प्लूरल वर्ड होता है। तो यहाँ पे आपकी मिस्टेक है, जो एरर है आपका पार्ट ए में आएगा इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं वो है सत्यजीत रे हु कंसीव्ड को ऑथर्ड एंड डायरेक्टेड अ नंबर ऑफ गुड फिल्म्स वॉज वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट टैलेंटेड फिल्म मेकर्स एंड देन पार्ट डी नो एरर। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपने ये सारा कुछ पढ़ा कि जो सत्यजीत रे थे वो एक को ऑथर थे, एक डायरेक्ट, उन्होंने डायरेक्ट करी काफ़ी सारी अच्छी फिल्म्स, एंड वो थे वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट टैलेंटेड फिल्म मेकर्स। यहाँ पे जो बात हो रही है वो वन ऑफ द, बात हो रही है सिर्फ सत्यजीत रे के बारे में, और यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट टैलेंटेड फिल्म मेकर्स, यहाँ पे मेकर्स आ गया प्लूरल में, पर जो बात हो रही थी वो सिर्फ एक इंसान के बारे में हो रही है, वो है सत्यजीत रे। तो यहाँ पे आपका मेकर्स नहीं आएगा, यहाँ पे आपका मेकर आएगा। आपको ध्यान रखना है कि बात किसके बारे में हो रही है, वहाँ पे सिंगुलर लगेगा या प्लूरल वर्ड आपका लगेगा, तो आपका इसमें पार्ट सी में एरर होगा। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वो है वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड बैड हैबिट इज द यूज ऑफ तंबाकू, कि जो तंबाकू का यूज़ है वो एक बहुत ही बुरी आदत है जो कि हर तरफ फैली हुई है। तो इसमें वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड बैड हैबिट, इसमें हमने कहा वन ऑफ द, वन ऑफ द मतलब काफ़ी सारे में से एक, और यहाँ पे एक वर्ड आया हैबिट, हमने काफ़ी सारी हैबिट की बात करी है जिसमें से कि एक है यूज़ ऑफ तंबाकू, वन ऑफ द हो गया यूज़ ऑफ तंबाकू, अब वन ऑफ किस में से है मोस्ट, तो मोस्ट यहाँ पे हैबिट वर्ड आएगा वो आपका आ गया प्लूरल में, यहाँ पे आपका एस लग जाएगा, तो यहाँ पे आपका बैड हैबिट की जगह बैड हैबिट्स आएगा, और आपका जो एरर होगा वो पार्ट बी के अंदर होगा। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आई हैव डन माई बेस्ट द होल थिंग इज नाउ इन द लैप्स ऑफ द गॉड, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी बट अब जो भी है वो भगवान के भरोसे है। तो इसमें क्या होगा, आई हैव डन माई बेस्ट, इसमें कोई एरर नहीं है, द होल थिंग इज नाउ पार्ट बी में कोई एरर नहीं है, इन द लैप्स ऑफ द गॉड। अब यहाँ पे जो लैप्स है, यहाँ पे लैप्स नहीं आएगा, यहाँ पे लैप आएगा, ये बेसिकली आपका idiom भी आता है लैप ऑफ द गॉड, तो वहाँ पे यहाँ पे आपको इस ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि लैप्स के अगर आपको यहाँ पे लैप आएगा, ठीक है, भगवान के हाथ में है वो आपका आएगा लैप ऑफ द गॉड, तो इसमें जो आपका एरर होगा वो होगा पार्ट सी के अंदर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रिसेंटली आई विजिटेड कश्मीर एंड फाउंड द सीनरीज टू बी मार्वलस, मैं अभी रिसेंटली कश्मीर गया और मैंने जो वहाँ की सीनरीज देखी वो बहुत ही मुझे अच्छी लगी, वो बहुत ही अच्छी थी। तो यहाँ पे रिसेंटली आई विजिटेड कश्मीर पार्ट ए में आपका कोई एरर नहीं है, एंड फाउंड द सीनरीज, द सीनरीज जब आपका द आ गया आप उसके आगे आपका प्लूरल नहीं आ सकता, द कोई भी एक स्पेसिफिक चीज होती है, द सीनरी आएगा सिंगुलर में आएगा, जब आपका आर्टिकल द लग गया वो एक स्पेसिफिक चीज होगी, इसलिए आपका जो यहाँ पे एस नहीं लगेगा, आपका यहाँ पे सीनरी लगेगा, तो आपका जो एरर होगा वो पार्ट बी में होगा। और इन क्वेश्चन में आपका ऐसा नहीं होगा कि आपके एक क्वेश्चन में दो पार्ट में एरर नहीं होंगे, जब आपको पार्ट बी में एरर मिल गया तो उसके बाद आपको पार्ट से देखने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन हमारा वो है अ फ्लॉक ऑफ लायंस रोम्ड अबाउट फियरलेसली इन द जंगल, जो शेरों का जो झुंड था वो जंगल में एक बहुत ही निडर ढंग से घूम रहा था। अब यहाँ पे अ फ्लॉक ऑफ लायंस, जो फ्लॉक है वो लायंस के झुंड को नहीं कहा जाता है, जो फ्लॉक कहा जाता है वो होता है बर्ड्स का झुंड, जो काफ़ी सारे बर्ड्स एक झुंड में उड़ते हैं तो उन्हें कहा जाता है फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, जो लॉयंस का झुंड है उसे कहा जाता है प्राइड, उसे प्राइड कहा जाता है। तो इसमें जो आपका जो एरर होगा
वो होगा पार्ट ए के अंदर। यहाँ पे आपका जो वर्ड है ये गलत दे रखा है, यहाँ पे फ्लॉक नहीं यहाँ पे प्राइड आएगा। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन सेंट टू द न्यू हाउस लोकेटेड इन द विलेज इन अ विलेज। जो सारा फर्नीचर था वो कि नए घर में भेज दिया गया है जो कि लोकेटेड है इन अ विलेज। अब इसमें हम देखेंगे पार्ट ए में ऑल द फर्नीचर्स, जो यहाँ पे वर्ड है फर्नीचर्स, ये कभी भी इसके साथ एस नहीं आता है, यहाँ पे फर्नीचर आएगा। चाहे कितना भी फर्नीचर हो, चाहे 10 चेयर हो, चाहे 15 चेयर हो, चाहे 2 बेड हो साथ में, कुछ भी हो, पर आपका वर्ड फर्नीचर ही आएगा। तो यहाँ पे आपका जो पार्ट ए है उसमें एरर है, आपको पार्ट ए टिक करना है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आएगा वो है, दिस आर्टिकल इज नॉट अवेलेबल इन एनी ऑफ द शॉप इन द मार्केट। ये जो कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज़ है, वो कहीं पे भी जितनी भी मार्केट में शॉप है उनमें अवेलेबल नहीं है। तो इसमें हम देखेंगे दिस आर्टिकल, इसमें कोई एरर नहीं है, इज नॉट अवेलेबल पार्ट बी में भी कोई एरर नहीं है, इन एनी ऑफ द शॉप इन द मार्केट, एनी ऑफ द शॉप सभी में से किसी में भी नहीं। तो एनी आएगा मतलब किसी में भी नहीं, तो वो किसी है वो किस में से आएगा, वो सभी शॉप में से आएगा। सभी का मतलब जो हो गया प्लुरल हो गया, तो यहाँ पे जो शॉप आएगा इसके साथ आपका लगेगा एस, इन एनी ऑफ द शॉप्स इन द मार्केट। तो आपका जो एरर होगा वो होगा पार्ट सी के अंदर। जो हमारा नेक्स्ट है, द इंडियन फोर्स ड्रोव अवे द चाइनीज, नो एरर। यहाँ पे जो है इंडियन फोर्स है, इसके जगह आपका इंडियन फोर्सेस लगेगा। हमने पढ़ा था हमारे जब रूल्स कर रहे थे उसमें हमने पढ़ा था यहाँ पे फोर्सेस आएगा, तो आपका एरर पार्ट ए के अंदर होगा। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माय ब्रदर इन लॉस हु लिव इन मुंबई हैव कम टू स्टे विद अस। जो मेरे ब्रदर इन लॉस हैं वो जो मुंबई में रहते हैं वो हमारे साथ रहने के लिए आए। हमने पढ़ा था जो यहाँ पे एस आता है वो पीछे वाले वर्ड के साथ नहीं लगता है, वो लगेगा ब्रदर्स इन लॉ, यहाँ पे ब्रदर्स इन लॉ आएगा। तो आपका जो एरर होगा वो पार्ट ए के अंदर होगा। तो फ्रेंड्स इसमें हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन करे जिसमें कि नाउन के बेस पे एरर थे, इसके आगे हम प्रोनाउन के रूल्स पढ़ेंगे, देन उसके क्वेश्चंस करेंगे। सिमिलरली हम जो पूरा स्पॉटिंग एरर्स का जो सिलेबस है वो ख़त्म करेंगे, उसके बाद जो बाकी के और क्वेश्चंस है जैसे कॉम्प्रिहेंशन हो गया, क्लोज पैराग्राफ हो गया, वो सब कवर करेंगे। सो वीडियो देखने के लिए थैंक्स। इन द एंड रिस्पेक्ट यूर कंट्री, रिस्पेक्ट यूर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट यूर सेल्फ। जय हिंद।